awakening with prama kumaris नमस्कार वेलकम टू अवेकनिंग विद प्रमा कुमारिस सिस्टर आपका स्वागत है बीइंग दिस में ओम शांति ओम शांति कुछ दिनों से हम लोग बात कर रहे थे एक प्रश्न पूछना था आपसे ये जो हमारे पास्ट कार्मिक अकाउंट्स की आप बात कर रहे थे तो कल मैं सोच रहा था कहीं ये एक मेरे लिए बहाना तो नहीं बन गया चलो पिछले जन्म का है अकाउंट है क्योंकि इसका मीनिंग मैं समझा नहीं See, बहुत बार अपने जीवन को देखकर या आसपास किसी और के जीवन को देखकर माइंड में क्वेश्चन उठता है कि इतने ऑनेस्ट है इतने हार्ड वर्किंग है अपना हंड्रेड परसेंट से ज्यादा लगाते हैं फिर भी सक्सेस नहीं मिल रही दूसरी तरफ कोई और दिखाई देता है जो शायद दूसरे तरह के तरीके यूज कर रहे हैं उतने ऑनेस्ट भी नहीं हैं लेकिन फिर भी प्रतीत होता है कि उनके पास सब कुछ बहुत अच्छा है कोई है बहुत गरीब है कोई बहुत अमीर है कोई हेल्दी है कोई बचपन से भी तो बहुत सारे माइंड में क्वेश्चन उठते हैं और फिर उठता है कि ये सब कुछ डिसाइड करने वाला कौन मेरी डेस्टिनी मेरा भाग्य मेरा फेट ये डिसाइड करने वाला कौन और जब नहीं मिलता कि किस पर उसका ब्लेम लगाए या किसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराएं तो हम कहेंगे परमात्मा ने डिसाइड किया सिस्टर मेरी किस्मत ऐसी है भगवान ने मेरी ऐसी किस्मत बनाई अब क्या करे भगवान शायद नाराज है पता नहीं क्या मुझसे मैंने पिछले जन्मों का पाप है क्या अजीब अजीब था आती है ना। right. मेरी किस्मत ऐसी है इज ओके okay. किस्मत मतलब मेरे साथ जो हो रहा है मेरा भाग्य माय डेस्टिनी मेरी किस्मत ऐसी है ये इस फाइन दिख रही है मुझे कि ये मेरी किस्मत ऐसी है लेकिन ये किस्मत बनाई किसने वो आंसर अगर ठीक मिल जाए तो एटलीस्ट उस किस्मत में कुछ चेंजेस लाने के लिए हमें ये पता होगा कि हमें किसके पास जाना है तो दो बिलीफ सिस्टम अगेन वी सेड बिलीफ सिस्टम थॉट, डेस्टिनी राइट तो दो बिलीफ्स हैं इसमें जो हमने बचपन से सुने दो बिलीफ्स क्या जो आपने एक कहा भगवान ने मेरी किस्मत ऐसी लिखी सारी दुनिया भगवान की मर्जी से चलती है परमात्मा मेरा भाग्य लिखता है जैसा कर्म आप करेंगे, वैसा, वैसा। फल आपको मिलेगा। दोनों बिलीफ सिस्टम सुने हैं दोनों बिलीफ सिस्टम हर रिलीजन में है आज रीप एंड ये भी कहते हैं एवरीथिंग इज हैपनिंग अकॉर्डिंग टू गॉड्स विल तो दोनों कहते हैं शायद ऊपर वाले को मंजूर नहीं है अब आप सोचो पहली बात ये दोनों बिलीफ सिस्टम चेक करने से पहले पहला तो क्वेश्चन मन में ये उठना चाहिए कि दोनों कैसे वैलिड हो सकते हैं right okay? मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है ये आपकी मर्जी से हो रहा है क्यों मैंने आपको वो पावर दे दी परमात्मा गॉड आपकी मर्जी से मैं उठ रही हूँ चल रही हूँ बैठ रही हूँ खा रही हूँ आपकी मर्जी से ये वन बिलीव सिस्टम दूसरा बिलीफ सिस्टम जैसा कर्म मैं कर रही हूँ वैसा फल मुझे मिल रहा है तो उसमें आपका तो कोई रोल ही नहीं है hmm. तो दोनों बिलीव सिस्टम इतने कॉन्ट्रोडिक्ट्री है इतने hmm. अलग है कि एक बिलीफ सिस्टम में पूरा ही कंट्रोल आपका है कि आपकी मर्जी से सब कुछ और दूसरे बिलीफ सिस्टम में पूरा ही कंट्रोल मेरा है और आपका बिल्कुल नहीं है एंड इज कि हम बचपन से दोनों बिलीफ सिस्टम को सुनते हैं और दोनों को एक्सेप्ट किया है हाँ एक्सेप्ट तो हम भगवान वाले को कर लेते हैं ना कुछ भी बुरा हुआ हाँ, तो यार की मर्जी लेकिन ये वाला भी सब मानते हैं ना जैसा कर्म अच्छे कर्म किए होंगे इसका अच्छा भाग्य है ये श्रेष्ठ कर्म करके आया होगा कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं गलत कर्म नहीं करो इसका रिटर्न अच्छा नहीं होगा दोनों चल रहे हैं सारा दिन दोनों चल रहे हैं सिर्फ जब कोई बहुत बड़ी बात होती है वो इट्स ईजियर टू से भगवान की मर्ज़ी तो एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हम बिलीफ सिस्टम्स को सुनते हैं तो पहले चेक तो करें कौन सा राइट है कौन सा सच है वो तो सेकेंडरी बात लेकिन दो कॉन्ट्रडिक्टरी बातों को कैसे सच मान सकते हैं सही बात। क्वेश्चन भी नहीं किया मन ने कभी कि दोनों बातें सही कैसे हो सकती है हाँ ये सही कह रहे हैं आप ये तो क्यों नहीं किया नहीं करते क्वेश्चन मतलब बुद्धि नहीं चलती है जब, जब बिलीफ सिस्टम में नहीं ऐसा नहीं सुनते हैं मुझे अभी ये दिख रहा है हाँ. आपसे बात करते करते कि बिलीफ सिस्टम इतना हावी हो जाता है इतना स्ट्रांग और इतना हेवी हो जाता है सर कि हमने कभी अपना मन उसमें बुद्धि लड़ाई नहीं कि ये लॉजिक देखिए देखो बिलीफ सिस्टम हावी, तो हावी होने वाला है हावी मीन स्ट्रोंग सी इट्स लाइक आपका कंप्यूटर उसका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही सबसे पावरफुल चीज है आप या विंडोज यूज कर रहे हैं या आप मैक यूज कर रहे हैं तो हम कहेंगे ये दो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है क्लैरिटी एक बार आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम चूज किया और अपने कंप्यूटर पे उसको इंस्टॉल किया अब आप जो कुछ करेंगे उस कंप्यूटर पर वो उस ऑपरेटिंग सिस्टम से चलेगा सॉफ्टवेयर भी वो वाले ही चलेंगे जो उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करेंगे लेकिन आप कहें मैं ये भी चलाऊं ये भी चलाऊं हाँ, हाँ ये नहीं होगा। इसीलिए लेटेस्ट वर्जन ऑफ ओएस लेते लेते ना हाँ। ताकि ब, अब operate, जाएं। दूसरे अब देखिए दूसरे सॉफ्टवेयर्स भी ओएस पे नए सॉफ्टवेयर तो उत... नहीं, नहीं आते नहीं चलेंगे और फिर समय के साथ अपने को भी क्या करना चाहिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेरे लिए कम्फर्टेबल है देखो समय बदलता है वातावरण बदलता है परिस्थितियां बदलती हैं बीच बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम को चेक करना होता है लेकिन जैसे आपने कहा उस दिन कुछ ना कुछ सुबह उठ के पढ़ लेना चाहिए समथिंग हाँ। स्पिरिचुअल ये भी तो अपग्रेड होता ही है ना इसी इन चीजों से नेचुरली सफाई भी होती है हम लोग क्लीन भी करते हैं Absolutely. अपने डिस्क और yes. जो, जो भी आप कहते हैं हार्ड डिस्क को नहीं। क्लीन नहीं हाँ। करेंगे अगर तो इतना कुछ सारा अक्यूमलेट हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम भी है मशीन भी हाईली एफिशियंट है लेकिन क्लटर्ड है टू मच डेटा है एंड यूजलेस डेटा है तो वो अननेसेसरी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना hmm. तो इसलिए जो आपने कहा ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रांग है है yes, है लेकिन क्योंकि इतना so कि right हो लाइक वी सॉ बिलीफ सिस्टम थॉट फीलिंग एटीट्यूड एक्शन हैबिट पर्सनैलिटी डेस्टिनी विच मीन्स बिलीफ सिस्टम विल क्रिएट डेस्टिनी अगर मैं अपने जीवन में एक गलत बिलीफ सिस्टम लेकर चलो तो उसका प्रभाव डायरेक्ट मेरे भाग्य पर आ रहा है, है। इसलिए बिलीफ सिस्टम की चेकिंग बहुत जरूरी है इम्पोर्टेंट मान्यता वैसा भाग्य वैसा भाग्य जो मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम से सब थॉट्स चल रहे हैं मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम एक हो और मैं थॉट को चेंज जैसे बहुत कॉमन है गुस्सा नेसेसरी है ये ऑपरेटिंग सिस्टम में बैठा हुआ है स्ट्रॉ बिलीफ सिस्टम थॉट्स पे नहीं, नहीं आज मुझे प्यार से बात करनी है आज मुझे शांति से सबके साथ चलना है थॉट होगा। होगा तो को, को नहीं चेंज कर सकते मतलब थॉट को अगर चेंज करेंगे एक बार होगा दूसरी बार फिर गुस्सा करेंगे पता नहीं कितने जन्मो से बिलीफ सिस्टम आया हुआ है बचपन से आया हुआ है

प्यार से सबसे अच्छा काम हो सकता है तो मैं अब दो को ऑपोजिट को पैरेलल नहीं चला सकते ना हम ये कह सकते हैं, थोड़े दिन के लिए मैं एक नया बिलीफ सिस्टम लेकर ट्राई करके एक्सपेरिमेंट करके देखते हूँ लेट मी सी व्हाट इज द रिजल्ट सही बात इफ मेरा काम हो गया अच्छी तरह से मेरे रिश्ते अच्छे होने लगे मुझे अच्छा होने ल, लगना लाइट फील लगने लगा देन आई से दिस बिलीफ सिस्टम इज बेटर हेल्दी दिस इज द ट्रूथ तब हम पुराने वाले को हटा देंगे तो ट्राई ट्राई करने करने में क्या करने में क्या क्या है तो spirituality है यही तो स्पिरिचुअलिटी है स्पिरिचुअलिटी मीन एक्सपेरिमेंटेशन स्पिरिचुअलिटी मीन अभी तक जो आपने बोला ना हमने बुद्धि क्यों नहीं लगाई उस hmm. पर क्योंकि हमने क्या किया किताब पढ़ी hmm. सत्संग में गए कहाँ ले रहे हैं बुज ऐसी जगहों पर जाएंगे ना या किसी का प्रवचन सुना सुना और ऐसे ऐसे किया वाह वाह यस yes, यस नहीं yes, अच्छा लगा सुनते हुए देखो कहीं भी कोई बात सुनेंगे जो पॉजिटिव होगी पावरफुल होगी अच्छी म्यूजिक तो सुनते हाँ। तो इतना मजा आता है मन तो अच्छी लगे हो जाता है। मन को एक जैसे यू you नो know, जिसको कहेंगे सूदिंग जैसे कोई मसाज कर रहा है मेरे मन को मन इतना थका हुआ है इतना थका हुआ है कोई आकर उस पे मसाज कर रहा है माइंड को ब्यूटिफुल वर्ड्स अच्छे भजन सूदिंग लेक्चर बहुत अच्छा लगता है अब वो सूदिंग इफेक्ट में इतना हम खो जाते हैं कि उसके ऊपर लॉजिक कई बार नहीं यूज करते हैं कि ये राइट या ये राइट दिस इज कंफर्टेबल और नॉट वी जस्ट से हा सो ब्यूटीफुल ऐसे 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 चले जाते हैं जैसे एक मधुमक्खी सनफ्लावर में मस्त हो जाती है ना जब खाती 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 ये भी भूल जाती कि सनसेट होने वाला है और फ्लावर बंद हो जाता है वो बिचारी अंदर ही मर जाती है उसी में और वो समझती है कि आई एम सोदिंग 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 तो हम सारा जीवन ऐसे ही कर रहे हैं नहीं तो इसमें हुआ क्या वो सूधिंग में इतने खो गए? तो वही मैं आपसे पूछ रहा मेरा ये होगा, मेरा नहीं, system? जो भी हम वर्कशॉप अटेंड करेंगे या किताब अच्छी कोई पढ़ेंगे या सत्संग सुनेंगे उसमें कभी कोई गलत बात तो मिलेगी नहीं समथिंग विच इज इम्पोर्टेंट इज To understand it the right way, see अगर आप मुझे कुछ सुना रहे हैं वो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग पहले सुनाने वाले को भी तो understand होना चाहिए वेरी इंपोर्टेंट तो आप सुना रहे हैं नहीं कई बार ये भी होता है कि सुनाने वाले से ज्यादा सुनने वाले की अंडरस्टैंडिंग में क्लैरिटी हो हाँ आप एक लाइन लेंगे हर आदमी आप हमें नहीं निकालेगा आप हमें इतने अच्छे अच्छे बातें ढूंढ के लेकर आते हैं अभी ये कहीं लिखी हुई है ना जहां से आप लेकर आ रहे हैं लेकिन आपने पढ़ा आपने और सौ लोगों के साथ शेयर किया बात एक ही है लेकिन बात की अंडरस्टैंडिंग बात की तक, डेप्थ में जाकर उसकी मीनिंग को समझना एंड सबसे इंपॉर्टेंट उस बात को इम्प्लीमेंट करके देख लेना hmm. सुदिंग था बातें सुदिंग थी जो हर जगह सुनी राइट थी रॉन्ग थी चेक हुआ ही नहीं hmm. क्योंकि एक्सपेरिमेंट में लेकर आए उन बातों को हम गए इट्स लाइक यू नो गए मसाज किया अच्छा लगा बैक टू वर्क अपना ऑफिस अपना काम अपने वहां तो प्रॉब्लम्स है ही फिर कल सुबह जाएंगे फिर अच्छा अच्छा फील करेंगे फिर आएंगे तो इसलिए चेकिंग तो हुई नहीं ना कि वॉट वर्क फॉर मी वॉट डजेंट वर्क फॉर मी क्योंकि आई डेंट डू एनी थिंग विद इट आई ओनली वेंट नाइस केम बैक अब क्या होगा कौन सा बिलीफ सिस्टम मेरे लिए राइट है मेरे लिए नहीं राइट है वो तब पता चलेगा सुना उसको एक्सपेरिमेंट किया एक्सपेरिमेंट करके आई विल डिसाइड हो सकता है मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम था कि गुस्सा नेसेसरी है आज मैंने दूसरा वाला यूज किया मुझे यूज करके नहीं ठीक लगा hmm. हो सकता है बिकॉज उसमें भी कितना समझा किस तरह से यूज किया कितनी डिटर्मिनेशन से यूज किया और क्या उसका मुझे रिजल्ट मिला अगर मुझे रिजल्ट मिला देन आई विल से लव वर्क्स फॉर मी नहीं मुझे वो रिजल्ट मिला आई से नहीं मेरे से नहीं होता मेरे लिए वही वाला ठीक है सपोजिंग मैं मेरा एक बिलीफ सिस्टम है मैंने कभी सोचा भी नहीं कि गुस्से के बिना यार काम नहीं चलता आज के बिना और इतने बच्चे हैं इतने नौकर इतना स्टाफ है किस किस को प्यार करो मैं आप रूल बनाओ डांट दो और अपना मिलिट्री बनाओ right. तो मैं ये सोच रहा था आपसे बात करते करते कि जब रिजल्ट तो चलो पॉजिटिव सपोजिंग मिल भी गया लेकिन मेरी सेहत hmm. वो रिजल्ट इज इट वर्थ इट कि मैं सारा गुस्सा करके अपनी सेहत खराब करके अपना कर्म जैसे आपने अभी बनाया बताया पास्ट कार्मिक अकाउंट कार्मिक अकाउंट भी बना रहा हूँ सेहत भी खराब कर रहा हूँ पैसे भी दे रहा हूं स्टाफ को और फिर डॉक्टर को भी दे रहा हूं फिर बाद में अंत में, में मेरा रिजल्ट निकल रहा है जो मैं चाहता हूँ रिजल्ट मतलब सिर्फ वो रिजल्ट नहीं है रिजल्ट यही इम्पोर्टेंट क्लैरिटी जब आप अपना रिजल्ट चेक कर रहे हैं कि इस belief system का result क्या है, तो रिजल्ट डजेंट मीन सिर्फ काम हुआ कि नहीं ना अब दिस इज इंटेलिजेंस कोई अगर लिमिटेड आउटलुक से है विजन से है, वो रिजल्ट सिर्फ यही चेक करेगा और शुरू शुरू में वो बोलेंगे काम नहीं हो रहा लोग बिगड़ गए लोग कहना नहीं मानते लोग मुझे फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं क्योंकि उनके लिए रिजल्ट की गुस्से के बिना काम, काम नहीं होता करने के बिना मेरी फैक्ट्री चल गई मेरी पिक्चर बन गई मेरा घर का सब काम पूरा हो गया बराबर गाड़ी में पेट्रोल था ये था वो था सब लोग अपने काम करने लग गए लेकिन उसका असर जो मुझ पर हुआ this versus that पूछ रहा हूँ मैं इट्स नॉट दिस वर्सेस दैट इट इज रिजल्ट ऑफ माय बिलीफ सिस्टम मैंने क्या खो दिया रिजल्ट जब मुझे देखना है ये बिलीफ सिस्टम है और ये उसका रिजल्ट है तो नाउ आई विल चेक कि गुस्सा आउट प्यार से पेशेंस से अंडरस्टैंडिंग से काम सारे हो जाते हैं नाउ टेक स्टार्ट वर्किंग ठीक है शुरू-शुरू में ये भी हो सकता है कि काम पे हो सकता है पॉसिबिलिटी जैसे कोई दवाई हम लेते हैं ठीक है शुरू शुरू में बहुत कुछ होगा कोई साइड इफेक्ट भी आ जाएगा कोई दवाई थोड़ी सी रिएक्ट भी कर जाएगी कोई कुछ भी लेकिन आप अपनी डोज लेते रहेंगे और फाइनली इतनी डोज लेने के बाद आपको अगर डॉक्टर को आप बोलो भी ना कि ये ऐसे ऐसे हो रहा है बोलेगा वेट कंटिन्यू टेकिंग एटलीस्ट फॉर थ्री डेज आप तीन दिन लो उसके बाद देखते हैं कि आपको दवाई सूट कर रही है कि नहीं ऐसे नहीं पहले दिन ही ली पहली डोज ली और आपने कहा क्योंकि बॉडी एक नई चीज ले रही है hmm. उसको भी उसके साथ एडजस्ट होने में वो दवाई का अपना का सिमिलरली एक नया बिलीफ सिस्टम पहले दिन प्यार से बात की व्यक्ति ने काम ही नहीं किया मेरा हम कहेंगे ये क्या है ये थोड़ी वर्क करता है काम ऐसे मैं नहीं कान गिव अप लाइक दिस गिव अप लाइक दिस सो वी हैव टू फिक्स अ टाइम पीरियड कि इतने टाइम तो ये डोज लेनी है नई वाली एंड फिर रिजल्ट की डेफिनेशन कि जब रिजल्ट को चेक करना है कि डिड दिस बिलीव सिस्टम वर्क तो ये सब पैरामीटर्स पे चेक करना है जो आपने अभी बताया मन लाइट फील कर रहा है शरीर तो ऑब्वियसली अच्छी तरह से रिस्पोंड करेगा मन खुश है तो लोगों के साथ मेरा रिश्ता बेटर hmm. होता जाएगा काम डेफिनेटली होता जाएगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने कहा कार्मिक अकाउंट मेरे जो क्रिएट हो रहे हैं सबके साथ आज काम होता गया होता गया लेकिन हर आत्मा के साथ कैसा कार्मिक अकाउंट क्रिएट होता गया दर्द देते गए दर्द आता जाएगा दर्द देते जाएंगे दर्द आता जाएगा काम होता गया काम होता गया ये जो दर्द देते गए और दर्द आता जाएगा इस साइकिल में मेरा जब दर्द बढ़ता है तो मेरा और गुस्सा फिर और इरिटेशन नहीं बढ़ेगा नेचुरली

आपको लौटाया अंदर से लौटाया मेरे बारे में गलत सोचा गलत नहीं भी सोचा आप सिर्फ हर्ट ही हो गए उस बात से उदास ही हो गए तो आपकी वाइब्रेशन तो है वट विल गो विल कम बैक तो आपने मेरे बारे में ऐसा सोचा तो मेरा थोड़ा सा और कम हो जाएगा अब मैंने आपके साथ किया फिर एक और के साथ किया फिर और के साथ किया धीरे धीरे वो मेरा बन गया संस्कार अब ये संस्कार बड़ी बातों में नहीं छोटी बातों में भी आने लगा अब हर बार जब ये आया हर बार ये मेरी पावर को कम किया अब ये एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है गुस्सा कर करके मेरी पावर जो कम होती है वो संस्कार की सिर्फ बात नहीं है वो ओवरऑल आत्मा की पावर कम होती है सी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है ना एक ही सोर्स है ऐसे नहीं ये काम के लिए अलग ये काम के लिए अलग ये रिश्ते के लिए अलग चलो ये रिश्ते में मेरे को प्रॉब्लम है लेकिन मेरे बाकी रिश्ते ठीक है ये काम में प्रॉब्लम है बाकी सब चीजों में तो मैं ठीक हूं एनर्जी इज वन सपोज आपके अंदर ट्वेंटी ब्यूटिफुल संस्कार है लविंग केयरिंग कंपैशनेट अंडरस्टैंडिंग हेल्पिंग एवरीथिंग और एक सपोज जेलेसी का है या एक एंगर का है कोई भी एक ऐसा है लेकिन वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो मेरी बैटरी ये है लेकिन वो एक जैसे मेरी बैटरी को डिस्चार्ज करता है बहुत एंड डिस्चार्ज जो हो होता है क्योंकि हो वातावरण बहुत पावरफुली नेगेटिव है इस टाइम तो जो लीकेज है कंपेयर टू द चार्जिंग बहुत फास्ट होती है अब एक बार ये लीकेज होने शुरू हो जाती है मतलब सोल पावर कम हो रही है इट्स पावर ऑफ द सोल दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट वन क्वालिटी ओनली जैसे हम कहेंगे गुस्सा किया तो शांति कम हो रही है राइट hmm. right? नफरत किया तो प्यार कम हो रहा है इट्स नॉट ओनली दैट इट्स लाइक ये किया तो आत्मिक शक्ति कम हो रही है और कार्मिक अकाउंट भी बन रहा है कार्मिक अकाउंट तो बन रहा है ये आत्मिक शक्ति कम होने से उसका इफेक्ट hmm. हमारी सारी पॉजिटिव क्वालिटीज पर आएगा पॉजिटिव क्वालिटीज को यूज करने के लिए आत्मा को शक्तिशाली होना होगा अब जब ये आत्मिक शक्ति कम होगी तो विल पावर पे भी इफेक्ट होगा आज क्यों लोग एडिक्शन नहीं छोड़ पाते हैं हम अपनी छोटी छोटी आदतें नहीं छोड़ पा रहे हैं यहाँ हम बात कर रहे हैं बड़े संस्कारों को छोड़ने का अभी तो हम छोटी आदत भी नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि सोल पावर कम है इसलिए हिंदी में कहते हैं आत्मिक बल आत्मिक बल सोल पावर इसलिए जब हम कहेंगे कि नए बिलीफ सिस्टम का रिजल्ट तो रिजल्ट तो इतना लॉन्ग टर्म है कि वी विल बी सरप्राइज विद द रिजल्ट दैट वी गेट एंड ये जो रॉन्ग बिलीफ सिस्टम चल रहा था उसका रिजल्ट भी कितने सारे एस्पेक्ट्स पर पड़ रहा था विच वी वर नॉट अवेयर तो इसीलिए फिक्स टाइम करते हैं एक नया बिलीफ सिस्टम एक्सपेरिमेंट करते हैं लेट्स सी द रिजल्ट ऑन अ बिग पिक्चर एंड एक बार हमें रिजल्ट मिलेगा हम अपने पुराने बिलीफ सिस्टम के पास नहीं जाएंगे चिंतन नहीं? ही नहीं किया वर्क नहीं किया अब हो, तब क्या हुआ हम आउट ऑफ कन्वीनियंस दोनों में से किसी को भी यूज करते गए जब मर्जी जैसे अगर मैंने देखा कि मेरे पड़ोसी के साथ जीवन में कुछ गलत हो रहा है मैंने कहा कर्म ही ऐसे किए थे hmm. करम ऐसे किए थे क्या क्या उसने किया है हो नहीं था ऐसा मेरे साथ अगर कुछ गलत हुआ भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया Nine, अपने साथ नहीं बोलेंगे मैंने कर्म ऐसे किए थे वैलिड so कि फॉर कब क्या यूज करना कब क्या अप्लाई करना अब हमें दोनों में से एक को चूज करना पड़ेगा एंड चेक कर लें कि कौन सा यूज करना है वो वाला यूज करें जो आपको एम्पावर करेगा आपको शक्तिशाली बनाएगा दोनों की चेकिंग कर लें भगवान हमारा भाग्य लिखता है गॉड राइट्स आर डेस्टिनी इज अ बिग क्वेश्चन मार्क अगर परमात्मा हमारा भाग्य लिखे तो हमारा भाग्य ऐसा नहीं होगा इट विल बी अ ब्यूटिफुल डेस्टिनी परफेक्ट डेस्टिनी एक सत्संग में सिस्टर एक आदमी ने बोला था कि एक आदमी था जो बार बार बोलता था चोरी करता था बोलता मैं क्या करूं भगवान ने मेरा भाग्य बनाया भगवान करवाता है मुझसे चोरी फिर फिर दूसरे दिन दिन करते तीसरे तो उसको उसको उसके सत्संग में बोला उसको कि ठीक है जब पुलिस पकड़ के मारेगी जेल में डालेगी तब भी यही कहना कि देखो ये भी भगवान ने लिखा और वो भी एक्सेप्ट करना फिर वहां एक्सेप्ट नहीं करते हैं एक्चुअली ये क्यों सिखाया सी दिस इज ऑल्सो के रिलीजन ने या फिलोसफर्स ने हमें क्यों सिखा ये इतनी सुंदर बात आपने बताई है जब कोई परिस्थिति हमारे सामने आती है हमारा बहुत चिंतन चलता है कि क्यों 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 इम्पोर्टेंट एक परिस्थिति को फेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले चाहिए होती है परिस्थिति को एक्सेप्ट करो जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी ना नेक्स्ट स्टेप्स टूवर्ड सोल्यूशन नहीं होता है क्योंकि उलझन में होते हैं परिस्थिति एज इट इज को एक्सेप्ट करना जैसे लोगों को एक्सेप्ट करना परिस्थिति को एक्सेप्ट करना होता है अब हम कर नहीं पाते थे तो फिर किसी ने कहा भगवान ने की मर्जी एक्सेप्ट कर लो ताकि हम उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे फिर उसको और मोटिवेट करने के लिए हमें कहा भगवान ऐसी बात देता ही उसको है जिसके अंदर उसको फेस करने की भागुव होती है दिस वाज ऑल बीइंग डन यू नो you know, एक बच्चे के साथ कैसे हम बोलते हैं, बाहर नहीं जाना रात को भूत है क्योंकि शायद उसको उस समय उस एज में उससे ज्यादा गहरी बात समझ में नहीं आएगी इसीलिए इंटेंशन क्या है बस वो जाए नहीं ना अंधकार में इसलिए किसी भी तरह रोक दिया उसको क्लैरिटी तो नहीं दी उसको इसी तरह हमें गलत कर्म करने से बचाना था तो कहा भगवान हर एक के अंदर है भगवान सब कुछ देख रहा है भगवान की मर्जी से सब कुछ हो रहा है तो ये सब करने से हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही थी इंटेंशन बहुत सुंदर था लेकिन मुझे आप वाली बात ज्यादा सूट करती है कि जब मैं कहता हूँ कि हाँ मैं आज जो चीज भी जिस चीज से सपोजिंग मैं दुख वाला एग्जाम्पल लेता हूँ सुख का नहीं चलो आज मुझे कोई दुख दे रहा है ठीक है मेरा पास कार्मिक अकाउंट के साथ था तो जैसे मैंने एक्सेप्ट किया उस पॉइंट को तो दर्द तो हुआ तकलीफ भी हुई लेकिन मैंने बोला ठीक है भाई पुराना कार्मिक अकाउंट है और मेरा ही किया हुआ है Absolutely. मैं आपसे दोबारा कहूंगा कि मेरे से मेरी गाड़ी का कहीं लग जाए ना थोड़ा स्क्रैच तो हाँ यार लग गया मुझसे मेरी नई गाड़ी मेरा ड्राइवर बोले दिखता नहीं ये नहीं वो नहीं निकाल दूंगा पैसे काट दूंगा hmm. कितना गुस्सा आता है hmm. तो वैसे मुझे जब एक्सेप्टेंस हुआ कि मैंने किया था hmm. मुझसे गिर गया दूध मुझसे नुकसान हो गया मेरे से कांच टूट गया मुझसे ये कपड़े मेरे खराब हो गए एयरहोस्टर्स प्लेन में मुझ पर गिरा दी और मेरे से गिर जाए चाहे कितना अंतर हो तो मुझे इतनी अच्छी लगी आपकी बात की भाई ठीक है मैंने किया आज मैं

हर स्टेप पे बातें आएंगी हम कहेंगे भगवान मेरे से खुश नहीं भगवान की मर्जी से वेट करो भगवान अच्छा करेगा ही भगवान पर फेथ रखो भगवान सब ठीक कर देगा मतलब तो फिर भगवान को बोलेंगे सब ठीक कर दो डेस्टिनी और यही दूसरा बिलीफ सिस्टम कि मैंने जैसे आपने कहा मेरा कोई किया हुआ कर्म है जो मेरे सामने आया है अब मुझे इसको प्यार से फेस भी करना है और आगे के लिए ठीक भी, भी करना है ठीक भी करना है अब डेस्टिनी अलग सो इट्स गोइंग टू बी टू कंप्लीटली जो भगवान की मर्जी से चल रहा है वो डेस्टिनी में आई एम गोइंग टू बी लाइक दिस मेरे हाथ में कुछ नहीं वेट करो भगवान ने प्रॉब्लम दी इंतजार करो भगवान ठीक करे दुख भी दुख तो होगा ही क्योंकि प्रॉब्लम ठीक भी तो नहीं हो रही हम जब ठीक करेंगे नहीं तो वो ठीक होगी नहीं आपका कंप्यूटर खराब हो जाए आप ऐसे लेकर बैठ जाओ हाय भगवान ने मेरा कंप्यूटर खराब कर दिया ऐसा क्यों किया फिर रोज़ उसको पूजा करो प्लीज़ मेरा कंप्यूटर ठीक कर दो प्लीज़ मेरा कंप्यूटर ठीक कर दो नहीं भगवान ज़रूर ठीक करेगा हम उसके बच्चे हैं वो ज़रूर ठीक करेगा वेट एंड वॉच और एक है मेरा कंप्यूटर ख़राब हुआ है मैंने गलत बटन दबाया था अब मैं बेटर डू समथिंग टू इट एंड जल्दी उसको ठीक करो टू डिफरेंट थिंग्स आई विल गेट सेट टू डूइंग इट राइट क्योंकि मुझे मालूम है कि इसको ठीक मुझे करना है हाँ परमात्मा से शक्ति लेंगे तरीका सीखेंगे ज्ञान लेंगे लेकिन उसको ठीक मुझे करना है तो फिर डेस्टिनी अलग आप चाहे आपके सामने कितने भी कार्मिक अकाउंट्स आए बड़े बड़े आ जाए आज सुबह ही मुझे एक बहन कह रही थी एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती है दूसरी पहले ही रेडी वेट कर रहे है कब खत्म होगा खत्म नहीं होना है ये खत्म नहीं होना है ये कार्मिक अकाउंट है जो सामने आएंगे लेकिन इक्वेशन राइट है तो पता है जीवन की जर्नी क्या है पुराने कार्मिक अकाउंट को सेटल करते जाना और नए करने वाले कर्म पर ध्यान रखना अब इसमें भी देखो जो कहेगा भगवान की मर्जी से वो अपने नए कर्मों पर भी अटेंशन नहीं रखेगा लेकिन जिसको ये अवेयरनेस होगी अब सारा दिन कि कार्मिक अकाउंट कितनी पावरफुल चीज है तो वो पुराने को तो सेटल करेगा ही लेकिन प्रेजेंट में कितना अटेंशन रखेगा कि अब ना मेरे से कुछ किसी को दुख मिले अब ना मेरे से कोई ऐसी बात हो जाए जो मेरे सामने फिर बहुत भारी होकर आए डेस्टिनी चेंज हो जाएगी ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मिला सिस्टर लेकिन हम हमें अगले एपिसोड में डिस्कस करना पड़ेगा थैंक यू सो मच ओम शांति ओम शांति थैंक यू are influenced by information, past experiences and belief systems. Every situation will be perceived through the belief system. Anger is necessary, happiness is an achievement, stress is natural, life is a competition are some of our belief systems today. Even one wrong belief system reduces the power of the soul. If we hold the belief system, anger is necessary. Then we will use anger to get work done. Even if we decide to work peacefully, it will be temporary. We need to create a new belief system. Anger is damaging, love is the way to get work done. When we experiment with a belief system, check if we are feeling lighter, health is improving, relationships are becoming simpler, and karmic accounts are settling. Then that belief system is right for us. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us at.